myself Alpana Kabra from Brainpoint Commerce Classes last 20 years. मैं आपको जो है स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने वाली हूँ. स्टैटिस्टिक्स जो है आपके किस किस में है, CA फाउंडेशन, देन CS फाउंडेशन और देन BCom, सभी में आपका स्टैटिस्टिक्स यूज में आता है. फर्स्ट स्टार्टिंग अपन जो कर रहे हैं वो किससे स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो आपका बिल्कुल बेसिक है. सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, अगर किसी भी स्टेट का कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना है तो उससे पहले आपको नॉलेज होना जरूरी है सेंट्रल टेंडेंसी का. इसमें अपन स्टार्ट करेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी कितनी तरह की होती है. जैसा कि आपने नाम सुना होगा एक्स बार, मीडियन, जेड, यानी मीन मॉन मीडियन जो आप स्टार्टिंग करते हुए आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी को अपने को पढ़ना है. देन उसी के साथ साथ सेंट्रल टेंडेंसी कितनी तरह की होती है या कितनी तरह के एवरेज होते हैं. दो तरह के एवरेज होते हैं, एक होता है स्टूडेंट्स पोजिशनल एवरेज और एक होता है मैथमेटिकल एवरेज. स्टूडेंट पोजिशनल एवरेज क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा अपन उसको डिस्कशन करेंगे. पोजिशनल एवरेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर मीडियन या फिर कुछ भी फाइंड करेंगे तो उससे पहले अपने को पोजिशन में अरेंज करना होगा. पोजिशन का मतलब हुआ या तो अपने को उससे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा या फिर एसेंडिंग ऑर्डर में. एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के कारण या पोजिशन में अरेंज करने के कारण इसको क्या कहा जाएगा, पोजिशनल एवरेज. बट पोजिशनल एवरेज कितने तरह के होते हैं जिसके अपन स्टार्टिंग करेंगे. पोजिशनल एवरेज जो है वो तीन तरह के हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट है आपका मीडियन जिसे अपन एम से डिनोट करते हैं. सेकेंड है आपका मोड जिसे अपन जेड से डिनोट करते हैं. देन आपका आता है पार्टीशन वैल्यूज. पार्टीशन वैल्यूज का मतलब है कि जिसमें अपन क्वार्टाइल, क्वांटाइल, परसेंटाइल ये सब कुछ पढ़ेंगे. देन एक होता है मैथमेटिकल एवरेज. स्टूडेंट मैथमेटिकल एवरेज क्यों कहा जाता है, मैथमेटिकल एवरेज का मतलब है कि अगर किसी में भी जिस जिसका कंबाइंड फाइंड किया जा सकता है, ऐसे एवरेज जिनका अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कंबाइंड या कंबाइंड फाइंड किया जा सकता है, उनको क्या कहा जाएगा, मैथमेटिकल एवरेज. जो मैथमेटिकल एवरेज है वो भी पोजिशनल एवरेज की तरह तीन तरह के होते हैं. फर्स्ट पढ़ेंगे अपन अर्थमेटिक मीन जिसका आपने नाम सुन रखा है एक्स बार और जिसे मीन से भी डिनोट किया जाता है. सेकेंड है ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन को जी एम से डिनोट किया जाता है. और एक होता है आपका हार्मोनिक मीन जिसे एच एम से डिनोट किया जाता है. सेंट्रल टेंडेंसी में अपने दो एवरेज अपन पढ़ रहे हैं, वो क्या है, एक तो अपना है पोजिशनल एवरेज और एक है मैथमेटिकल एवरेज. पोजिशनल एवरेज के अंदर ही अपना स्टार्ट करने वाले हैं, वो है मीडियन. मीडियन का मतलब क्या है, मीडियन का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू जो किसी भी सीरीज के बिल्कुल मिड में होती है. ऐसी वैल्यू जो किसी भी सीरीज के बिल्कुल मिड में होती है. और स्टूडेंट जो बिल्कुल मिड में होती है वो किसी भी सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. यानी ऐसा वैल्यू जो किसी भी सीरीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इट मीन्स वह क्या होता है, मीडियन होता है. यानी कुल मिलाकर डिवाइड इक्वल्स टू पार्ट्स, यानी दो पार्ट में डिवाइड करने वाली वैल्यू मीडियन होगी. देन अगर जो है मिडिल वैल्यू, अगर किसी भी सीरीज में मिडिल वैल्यू जो है वो क्या होगा, मीडियन होगा. फर्स्ट ये क्या कहलाएगा, पोजिशनल एवरेज होगा. ये हमेशा क्या होगा, पोजिशनल एवरेज होगा. देन अब जो मीडियन फाइंड किया जाता है वो तीन सीरीज में बिल्कुल अलग अलग तरीके से होता है. एक होती है आपकी इंडिविजिबल सीरीज, एक होती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज और एक होती है आपकी कंटिन्यूअस सीरीज. क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि इंडिविजिबल सीरीज है तो इंडिविजिबल सीरीज का फॉर्मूला यूज करना है, डिस्क्रीट सीरीज है तो डिस्क्रीट का यूज करना है और कंटिन्यूअस सीरीज है तो कंटिन्यूअस का यूज किया जाएगा. वो कहीं क्वेश्चन में नहीं होगा कि इंडिविजिबल का यूज करें या फिर डिस्क्रीट का या फिर कंटिन्यूअस का. अगर क्वेश्चन में इंडिविजिबल सीरीज है तो सबसे फर्स्ट अपने को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. इंडिविजिबल सीरीज फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन, इंडिविजिबल सीरीज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. सेकेंड पॉइंट नंबर ऑफ एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैल्यू और थर्ड पॉइंट हो गया एम इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइड बाय टू. जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन के अंदर जो भी क्वेश्चन अपने को गिवन होगा उस क्वेश्चन के अंदर सबसे फर्स्ट जितनी भी वैल्यूज गिवन है उन सब वैल्यूज को अपन क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. जैसे क्वेश्चन दिया है, वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है 9, 3, 5, 4, 6. क्वेश्चन में कितनी वैल्यूज है, 1, 2, 3, 4 एंड 5. क्वेश्चन में 5 वैल्यूज है, मतलब
अपने को ये टर्म्स किसमें है, ऑड नंबर्स में है, और जब कभी ऑड नंबर्स में है तो इसका मतलब सबसे फर्स्ट अपने को सीरियल नंबर में अरेंज करना होगा 1, 2, 3, 4 and 5। सबसे फर्स्ट x की स्टार्टिंग अपन किससे करेंगे, सबसे स्मॉल वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ी, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, इट मींस वह असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे स्मॉल वैल्यू है 3, देन है 4, 5, 6 और 9। 3, 4, 5, 6 and 9 आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया इस क्वेश्चन को। देन सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है आपके पास, 5। n यानी नंबर ऑफ वैल्यू, वो क्वेश्चन में इतनी गिवन है 5 है। मीडियन का फॉर्मूला हो गया n+1/2। मीडियन का क्या फॉर्मूला है, n+1/2। 5 वैल्यूज है, 5+1/2, 6/2 = 3, 6/2 = 3। 3 का मतलब हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सीरियल नंबर 3 के सामने क्या लिखा है, यानी थर्ड वैल्यू। सीरियल नंबर 3 के सामने लिखा है 5। इसका मतलब मीडियन का आंसर सीधा ही कितना हो गया है, 5। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, देन जितनी वैल्यूज है 5 वैल्यूज है, 5+1/2, देन थर्ड वैल्यू का आंसर जो सामने लिखा है वही आंसर होगा। ये किसमें है, ओल्ड नंबर्स है। फर्स्ट मीडियन में अपन ने इंडिविजिबल सीरीज किया है, इंडिविजिबल सीरीज में क्वेश्चन दिया है, उसी के अंदर फर्स्ट अपन ने पढ़ा ओड नंबर्स, कितने वैल्यूज गिवन है, 5 वैल्यू गिवन है, 7 है, इट मींस ऑड नंबर्स है। देन अब आता है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर इवन नंबर गिवन है, 4 वैल्यूज गिवन है, 6 वैल्यूज गिवन है, 8 वैल्यूज गिवन है, इट मींस इवन नंबर गिवन है, और जब भी कभी इवन नंबर गिवन होंगे तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, वैल्यू गिवन है 9, 10, 5, 11, 20 और 50, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्वेश्चन में कितनी वैल्यूज गिवन है, 6 वैल्यूज गिवन है, और जब भी कभी 6 वैल्यूज गिवन है तो सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी 6 वैल्यूज तक अपने को क्वेश्चन करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, टोटल आपके पास 6 वैल्यूज है, तो 6 वैल्यू में अपने को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करते हैं, सबसे स्मॉल वैल्यू 5, देन उसके बाद 9, देन उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद 20 और उसके बाद 50। सारी वैल्यूज यानी इवन नंबर्स में है, टोटल इवन नंबर है, 6 नंबर है, 4 नंबर है, 8 नंबर है, तो अपन ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अब क्या करेंगे, n आपके पास 6 है, मीडियन का फॉर्मूला होगा, सेम फॉर्मूला है n+1/2, 6+1/2, 6 वैल्यूज है, सबसे फर्स्ट 6 वैल्यूज है, सीरियल नंबर 6 तक अपन ने किया है, देन जितनी वैल्यूज है अपन ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, देन m=n+1/2, 6+1/2, 3.5 का मतलब क्या हुआ, न 3 है न 4 है, 3.5 का मतलब हुआ थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू दोनों के मिड में है। तो अपन क्वेश्चन जब करेंगे, जब भी कोई इस तरह की वैल्यू है 3.5 है, तो थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू डिवाइड बाय टू। थर्ड वैल्यू सीरियल नंबर 3 के सामने क्या लिखा है, 10। सीरियल नंबर 4 के सामने क्या लिखा है, 11। 3.5 आया, 3.5 का मतलब हुआ थर्ड और फोर्थ के बीच में, थर्ड और फोर्थ के बीच में, यानी 10+11/2, 21/2, यानी 10.5 आया। मीडियन का आंसर कितना हो गया है, 10.5। जाए अपना इवन नंबर है तब भी असेंडिंग ऑर्डर, ऑड नंबर है तब भी असेंडिंग ऑर्डर। सीरियल नंबर हो गया है, उसके बाद अपने को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर, देन n=2 एंड m=2 n+1/2,
ओड नंबर है तब भी n प्लस वन डिवाइड बाय टू, इवन नंबर है तब भी n प्लस वन डिवाइड बाय टू, बट यहां आपका सीधा थर्ड वैल्यू सीधा आंसर आ जाता है, बट यहां पर अपने को क्या करना है, दो वैल्यू के बीच में आंसर आएगा, इसलिए 3.5 यानी थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू 10 प्लस 11 डिवाइड बाय 2 21 डिवाइड बाय 2, मीडियन का आंसर कितना हो गया है 10.5। ये तो आपका था इंडिविजिबल सीरीज, बट अब डिस्क्रीट सीरीज में कैसे होता है स्टूडेंट ये अपन देखेंगे। डिस्क्रीट सीरीज मीडियन के अंदर डिस्क्रीट सीरीज, नेक्स्ट है आपके डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है स्टूडेंट्स, जिसमें x और f दोनों गिवन होता है वह डिस्क्रीट सीरीज होती है। डिस्क्रीट सीरीज में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि अगर जो f गिवन है उससे अपन क्या बनाएंगे, सी एफ फ्रॉम f, f से सी एफ बनाएंगे, देन एडिशन ऑफ f यानी f का एडिशन करेंगे वो क्या होगा n होगा, देन m इक्वल टू n प्लस वन डिवाइड बाय टू, m इक्वल टू n प्लस वन डिवाइड बाय टू, देन m जिस सी एफ में आएगा, ये जो आपने n प्लस वन डिवाइड बाय टू किया है वो जिस सी एफ में आएगा सामने वाला x ही क्या हो जाएगा, मीडियन का आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में अपने पास है x है 2, 4, 6, 8 और 10, f है 2, 3, 5, 4 और 1। क्वेश्चन में x और f दोनों गिवन है, सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा है अपन ने f से cf बनानी है, और जब अपन cf बनाते हैं तो cf कैसे बनाएंगे, सबसे फर्स्ट यानी cf कैसे बनाएंगे, सबसे फर्स्ट f है 2 को एज इट इज लिख दिया, 2 और 3 कितना हो गया 5 और 5 कितना हो गया 10 और 4 कितना हो गया 14 और 1 कितना हो गया 15, यानी आपने f का एडिशन करते गए तो आपकी cf आ गई है, लास्ट cf आपकी कितनी आई है 15, जो लास्ट cf होगी वही एडिशन ऑफ f करेंगे होगा 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1, यानी n कितना आ गया आपके पास 15। सेकेंड पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ, cf फ्रॉम f हो गया, एडिशन ऑफ f हो गया, आपका 15 आ रहा है जो कि एडिशन ऑफ 15 हो गया, एडिशन ऑफ f, मीडियन का फॉर्मूला n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 15 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 8। अब अपने को क्या करना होता है, ऐसी cf ढूंढनी है जो या तो 8 के इक्वल हो, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 किया, 15 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 8। 8 कौन से cf में है, 8 cf 10 में है, 8 कौन सी cf में है, यानी ऐसी cf को अपने को ढूंढना होता है जो या तो सबसे फर्स्ट 8 के इक्वल होनी चाहिए या फिर 8 से जस्ट बड़ी होनी चाहिए, तो ऐसी cf क्या है 10 है, तो 10 के सामने वाला x क्या है 6, यानी 8 cf 10 में है और उसके सामने वाला x क्या है 6, तो मीडियन का आंसर सीधा ही आपका कितना हो गया है 6 हो गया है, यानी डिस्क्रीट सीरीज में x और f होगा, देन उसके बाद cf में कन्वर्ट किया, cf जो लास्ट cf है वही एडिशन ऑफ f होगा, cf के लिए फर्स्ट f को कांस्टेंट रखेंगे, बाकी की cf को एक दूसरे में प्लस करते जाएंगे, 2 प्लस 3 5 प्लस 5 10 प्लस 4 14 प्लस 1 15, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 15 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 8। 8 जो है ऐसी cf अपने को देखनी है जो या तो 8 के इक्वल है या उससे जस्ट बड़ी है, तो वह cf 10 है, सामने वाला x 6, तो मीडियन का आंसर सीधा ही कितना हो गया है 6। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अब कंटिन्यूअस सीरीज में दो जो लाइन है, दो पॉइंट्स वो बिल्कुल सेम है, फर्स्ट पॉइंट है cf फ्रॉम f यानी f से अपने को cf में कन्वर्ट करना है, देन एडिशन ऑफ f, cf फ्रॉम f यानी f से आपको क्या बनानी है cf बनानी है, एडिशन ऑफ f वह क्या होगा n होगा, देन स्मॉल m इक्वल्स टू n बाय 2, देन स्मॉल m करने के बाद यहां n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 नहीं होगा वरन क्या होगा n बाय 2 होगा, स्मॉल m जिस cf में सबसे फर्स्ट आएगा वही ग्रुप क्या हो जाएगा मीडियन ग्रुप, देन फॉर्मूला आपको यूज करना है l1 प्लस i अपॉन f स्मॉल m माइनस c, l1 क्या होता है लोअर लिमिट, i मतलब क्या होगा इंटरवेल, देन f मतलब क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, स्मॉल m इक्वल्स टू n बाय 2 और c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्रीवियस cf, प्रीवियस cf यानी जस्ट जो आपने ग्रुप डिसाइड किया है उससे जस्ट पहले वाली cf जो होती है वह क्या हो जाएगी प्रीवियस cf, देन नेक्स्ट इसी के साथ साथ
क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन में क्या है, सबसे फर्स्ट कंटिन्यूस सीरीज का मतलब होता है कि जब भी क्वेश्चन में एक तरफ ग्रुप होता है और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी होती है. जब भी क्वेश्चन में कंटिन्यूस सीरीज का मतलब है जब भी क्वेश्चन में एक तरफ ग्रुप हो और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी हो तो वह क्या होगी, कंटिन्यूस सीरीज. यहां पर ग्रुप है जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 or 50 to 60, ये ग्रुप है. देन फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 5, 4 or 2. ये आपके ग्रुप और फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब आपकी कौन सी सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज. अब अपन क्या करेंगे, यहां पर सीएफ में कन्वर्ट करेंगे. सीएफ बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट एफ को कांस्टेंट रख दिया 2. 2 और 3 क्या हो गया, 5. 5 और 5 क्या हो गया, 10. 10 और 4 क्या हो गया है, 14. 14 और 2 क्या हो गया, 16. देखिए ग्रुप और फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब कंटिन्यूस सीरीज है. सबसे फर्स्ट अपन ने सीएफ में कन्वर्ट किया है. देन एडिशन ऑफ एफ, पहले भी अपन डिस्कशन कर चुके हैं कि जो एडिशन ऑफ एफ है वह क्या होगा, जो लास्ट सीएफ है 2 + 3 = 5 + 5 = 10 + 4 = 40 + 2 = 16, जो एडिशन ऑफ एफ है वही लास्ट सीएफ होगी. देन अपने को फॉर्मूला यूज करना है कि अगर जो है स्मॉल m इक्वल्स टू n बाय 2, n कितना है आपका 16, 16 डिवाइड बाय 2, n कितना, अगर अपन माने n था अपना 16 डिवाइड बाय 2 किया 8, 8 को अपने को ऐसे CF में देखना होता है जो या तो इसके इक्वल यानी 8 के इक्वल होनी चाहिए या फिर ऐसी फ्रीक्वेंसी सबसे फर्स्ट जो कि 8 से जस्ट बड़ी हो. ऐसी CF 2 भी नहीं होगी, 5 भी नहीं होगी, कौन सी CF होगी, 10. 10 के सामने वाला ग्रुप क्या हो गया, 30 to 40. 8 CF 10 में है और सामने वाला ग्रुप क्या हो गया है, 30 to 40, यानी n डिवाइड बाय 2, देन 16 डिवाइड बाय 2, 8. 8 कौन सी CF में है, 10 में है, सामने वाला ग्रुप 30 to 40. फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल m माइनस C. अब ये L1 क्या है, लोअर लिमिट. L1 अगर लोअर लिमिट है तो लोअर लिमिट का मतलब क्या हुआ, लोअर लिमिट जो आपने ग्रुप डिसाइड किया है उससे जस्ट पहले वाली नंबर, जिससे जस्ट स्मॉल नंबर, सबसे फर्स्ट वाला नंबर, यानी L1 हुआ आपका 30. I मतलब दोनों का 30 और 40 का इंटरवेल कितने का है, इंटरवेल है 10 का. देन स्मॉल m क्या है, स्मॉल m यानी n बाय 2 वो कितना है, 8. और फ्रीक्वेंसी यानी सामने वाली फ्रीक्वेंसी, ये जो ग्रुप आपने डिसाइड किया है तो उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5. और C का मतलब होता है ये आपने जो ग्रुप डिसाइड किया है उससे जस्ट पहले वाली CF और वो कितनी है, 5. फॉर्मूला हुआ आपका L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल m माइनस C. L1 मतलब हो गया लोअर लिमिट, I मतलब हो गया इंटरवेल दोनों का डिफरेंस, F मतलब फ्रीक्वेंसी, स्मॉल m इक्वल टू n बाय 2 और C मतलब जो आपने ग्रुप डिसाइड किया है उससे जस्ट पहले वाली CF वो C होती है. द नेक्स्ट फॉर्मूला अगर आपको यूज करना है, m इक्वल्स टू L1 क्या हुआ आपका, 30, देन इंटरवेल आपका है 10 का, सामने वाली फ्रीक्वेंसी आपने डिसाइड करी है क्वेश्चन से वो है 5, देन स्मॉल m आपका आया है 8 और जस्ट पहले वाली CF वो C होती है और ये है आपका 5. देन m इक्वल टू 30 + 10 / 5, 8 में से 5 गया कितना हो गया, 3. देन 30 + 10 / 5 अगर करा तो 10 × 3 वो कितना हो गया है, 30 / 5. यहां देखिए 30 + 10 × 3 = 30 / 5, ये हो गया आपका 30 + 30 में 5 से डिवाइड किया कितना आ रहा है, 6. 30 + 6 कितना हो गया है, 36. यानी मीडियन का आंसर कितना आया है, 36. हमेशा क्वेश्चन करते वक्त या मीडियन फाइंड करते हुए हमेशा ये ध्यान रखता होगा कि अगर जो भी ग्रुप डिसाइड किया जाता है, अगर आपने 30 to 40 ग्रुप डिसाइड हुआ है तो उसी के मिड में ही आंसर आना चाहिए, ना 30 से कम होना चाहिए ना ही 40 से ज्यादा होना चाहिए. अगर मान लीजिए
क्वेश्चन में 20 to 30 ग्रुप डिसाइड हुआ है, तो 20 से 30 के बीच में ही आंसर आना चाहिए। सबसे फर्स्ट अपन ने क्या किया, एफ और ग्रुप है, इसका मतलब कंटिन्यूस सीरीज है। देन आपने सी एफ कैसे करी है, 2 फर्स्ट एज इट इज लिख दिया, 2 + 3 = 5, 5 + 5 = 10, 10 + 4 = 14 + 2 = 16। एडिशन ऑफ एफ जो लास्ट सी एफ होगी वही होगा, एडिशन ऑफ एफ कितना हो गया है 16। स्मॉल m इक्वल्स टू n बाई 2, n आपका है 16 डिवाइड बाई 2, 12 = 8। 8 को अपने को सी एफ में ढूंढना है कि ऐसी सी एफ ढूंढनी है जो या तो इसके इक्वल होनी चाहिए या जस्ट इससे बड़ी होनी चाहिए। वो सी एफ है 10, सामने वाला ग्रुप क्या हो गया 30 to 40। L1 मीडियन का फॉर्मूला प्लस I अपॉन F स्मॉल m माइनस C, L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल m माइनस C। L1 है आपका 30 to 40 में, L1 कितना है 30, I कितना है 10, स्मॉल m का मतलब n बाई 2, वो कितना हुआ 8, सामने वाली फ्रिक्वेंसी कितनी है 5, और C का मतलब हुआ इससे जस्ट पहले वाली CF, वो कितनी हो गई 5। देन L1 हुआ आपका 30, इंटरवेल है आपका 10 का, सामने वाली फ्रिक्वेंसी वो हुई 5, स्मॉल m है आपका 8 माइनस C है आपका 5, 30 + 10 / 5, 8 - 5 कितना हो गया 3, 10 × 3 कितना हुआ 30, 30 + 30 / 5, 30 में 5 से डिवाइड किया 6, तो 30 + 6 = 36 आपका आंसर हुआ। देखिए जो ग्रुप आपने डिसाइड किया है उसी में आंसर आया है, यानी मीडियन क्या हुआ, जो कि मिडिल वैल्यू होती है, जो बिल्कुल दो पार्ट में डिवाइड करती है वो मीडियन होता है। देन इंडिविजुअल सीरीज में बिल्कुल अलग, डिस्क्रीट सीरीज में बिल्कुल अलग, और कंटिन्यूस सीरीज में बिल्कुल अलग आपका प्रोसीजर रहेगा। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 होता है, बट कंटिन्यूस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ n बाय 2 होगा, और केवल कंटिन्यूस सीरीज है उसी में ही हमेशा ग्रुप और फ्रिक्वेंसी और देन फॉर्मूला ही यूज किया जाएगा। देन नेक्स्ट क्लास में अपन मोड पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू एवरीबडी।